12वीं का तो नहीं भेज दिया, नहीं कि कैसे रिकॉर्डिंग फाइन। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमें कहां पे छोड़ा था प्रेम? हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके ओके, तो इन सब मोशंस की हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मैथमेटिक्स। व्हाई दीज मोशंस आर कॉल्ड हार्मोनिक? क्यों है ये मोशंस हार्मोनिक? क्योंकि आप एक ऐसे सिंगल वेरिएबल से या सिंगल फंक्शन से इन मोशंस को डिनोट कर सकते हो जो कि हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मतलब दैट विल रिपीट आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम और एंगल, जैसे कि साइन थीटा, जैसे कि कॉस थीटा। इनके जो ग्राफ्स रहते हैं, जैसे कि ये साइन का है, ये किसका है? साइन का। ये देखो, ये कॉस का है। किसका है ये? कॉस्ट। सो मैं ये कह रहा था कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है, उसको आप इन ग्राफ से क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। कैसे शो कर सकते हो? देखो, मान लो आपका पार्टिकल t इज इक्वल्स टू जीरो पे कहां था? यहां। मतलब कि यहां बाजू में बना लो पेंडुलम, ठीक। दिस इज द मेन पोजिशन एट t इज इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही पार्टिकल यहां गया या बॉब यहां गया, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपका बॉब कहां पहुंच गया एक पर्टिकुलर टाइम पे? यहां, ठीक। इस टाइम रेंज को अपन लेते हैं t बाय 4, ठीक है। फिर यहां से पार्टिकल आया वापस इस डायरेक्शन में, तो देखो फिर मीन पोजीशन रीच की। दिस टाइम इज t बाय 2, ठीक। फिर उसके बाद पार्टिकल आपको कहां गया? इस साइड गया, इस साइड गया, ठीक है। फिर उसने क्या मैक्सिमम पोजीशन रीच की, राइट? ये एक टाइम, अभी मैं आपसे पूछूंगा ये कितना होगा। और उसके बाद फिर ये देखो अपने मीन पोजीशन पे आ गया जीरो, एंड दिस टाइम इज टी। तो देखो ये पूरा का पूरा एक वाइब्रेशन करने में इसको कितना टाइम लगा? टी। एंड टी इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो एक पूरे के पूरे वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड। आपका बॉब ऐसा गया, वापस आया, इस साइड सेम गया और फिर वापस आया, ये इतना पोर्शन कवर करने में जो उसको टाइम लगा वो टाइम क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। एंड ये पूरा जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? वाइब्रेशन, सिंगल वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है टी। तो आप उस हिसाब से उसको इक्वली क्या कर लो? डिवाइड कर लो। नाउ दिस इज योर टी बाय 4, दिस इज योर टी बाय 2, ये कितना होगा प्रेम? 3t/4, तो 4 कर 3t/4, गुड। ये 3t/4 हो, एंड दिस इज टी। नाउ दिस इज द इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम। ये अपन बाद में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी इनका कोई यूज नहीं है। बट मैंने बता दिया कि आप ये सिंपल पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन इस ग्राफ से क्या कर सकते हो? शो कर सकते हो। यहां पे आपने लिया हुआ है इसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज y, और यहां पे आपने लिया हुआ है इसका टाइम रेंज, ठीक है। और ऐसे ग्राफ का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ SHL। ये आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, जहां पे आपका y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल ने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, राइट? a क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या है? एम्पलीट्यूड, या फिर जिसको आप कहते हो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दिस इज a, ये क्या है? a। कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस किया? जितनी एक्सट्रीम पोजीशन तक आपका बॉब जा सकता है, तो वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड। दिस इज ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी।
आप इस इक्वेशन में वैल्यूज रख के ये वाला ग्राफ आराम से बना सकते, आराम से बना सकते। देखो कैसे, यहीं सिखा देता हूं। देखो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा को लिख लो 2π/T और साथ में स्मॉल t, ठीक है। y इज इक्वल टू a sin 2π/T डॉट स्मॉल t, ओमेगा 2π/T होता है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं, क्योंकि 2π μ होता है, 2π μ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π μ, यू कैन राइट 2π/T, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो आपको यहां पता करना है डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट वुड बी वाई, यहां पता करना है, यहां पता करना है। देखो एट टी इक्वल्स टू जीरो, अगर आपका टाइम क्या है जीरो, ठीक है, अगर टी जीरो हो गया तो वाई हो जाएगा ए साइन 2π/T इंटू जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, सो वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, है कि नहीं है। एट टी इज इक्वल्स टू टी बाय फोर, अब टाइम कितना लिया मैंने टी बाय फोर, तो वाई हो जाएगा ए साइन 2π/T इंटू टी बाय फोर, टी से टी क्या हो गया 2 से 2, और साइन पाई बाय टू कितना होता है 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया a। तो टी बाय फोर पे डिस्प्लेसमेंट कितना है a, यहां पहुंच गए, ठीक। अब तुम यहां पे t की वैल्यू कितनी रखो, t बाय टू, y इज इक्वल टू a साइन 2π/T t बाय टू, 2 से 2 कैंसल, t से t कैंसल, साइन पाई जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो। देखो t बाय टू पे डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो गया जीरो, बल्ली वेव सिमिलरली और रख देना तो नीचे की डायरेक्शन में बन जाएगी, 3T/4 रखोगे कैंसल होगा तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, हाँ साइन 3/4 का माइनस वन आ जाएगा, और उसके बाद माइनस वन आ जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, ए ऑलरेडी है, और टी रख दोगे तो टी से टी कैंसल 2π, तो 2π की वैल्यू जीरो होती, फिर जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, या पीरियोडिक मोशन क्या कर रहे हैं शो कर रहे। सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t इज द इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, या फिर y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है a साइन ओमेगा t तब लोगे जब मीन पोजीशन से आपका मोशन चालू हो। कहां भागता है, एयरपोर्ट दे दे यार हमें खराब हो। ए साइन ओमेगा टी जब यूज करना है, जब आपका मोशन कहां से शुरू हो रहा है मीन पोजीशन, यहां से। अगर मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से चालू होगा तो कौन सा इक्वेशन हो जो ए कॉस, कहां से शुरू होगा एक्सट्रीम से। अब तुम वैल्यू रख के देखना, टी इक्वल्स टू जीरो रखोगे, टाइम जीरो पे एक्सट्रीम पोजीशन है तो टी इक्वल्स टू जीरो पे कॉस जीरो मिले, तो कॉस का ग्राफ तुम देखना कहां ऐसे शुरू होता है कॉस का ग्राफ, तो आपको t इज इक्वल टू जीरो पे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, बस उसके बाद काम वही t बाय टू या t बाय फोर, फिर t बाय टू, फिर 3T/4 और फिर t, वैल्यू उल्टी होती रहेगी, अगर 1 है तो अगली पे 0 मिल रही है, फिर अगली पे -1 मिलनी, फिर उसके बाद 0, फिर +1, फिर 0, तो दोनों के दोनों cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी क्या शो करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन।
या ऑस्किलेटरी मोशन। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से ले रहे तो कौन सा यूज करोगे, साइज। ये जनरल इसका मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कॉस का ग्राफ ये है। और क्यों है, क्योंकि आपका पार्टिकल का मोशन कहां से शुरू हो रहा है, एक्सट्रीम पोजिशन। हाँ सॉरी, वाई इज इक्वल टू ए, मैक्सिमम से शुरू हो रहा है, बात वही है, वन और ए से, वन और जीरो की कहानी कर रहा है ना, ठीक है, ए गुड, वाई इज इक्वल टू, समझना है। सो दीज आर द इक्वेशन, या दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो हमने हार्मोनिक मोशन लिख रखा था, उसका इक्वेशन लिख रखा था क्या? नहीं, ओके। एक और चीज बतानी थी, क्या बोल रहा था मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। हाँ, वो जनरल टर्म्स अपन को फिर से लिखने हैं एक बार, व्हाट इज अ टाइम पीरियड, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी, वो लिख के एक बार वो करना है, क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी, बिकॉज आपके नोट्स में है, सो यू हैव टू राइट इट अगेन। केस केस में आपको पता है टाइम पीरियड क्या होगा, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज अ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड में कितने वाइब्रेशन, तो वो हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द टू पाई, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द टू पाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कोई बताएगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, आई डिफाइंड बिफोर कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट बहुत जनरल होगा, क्या कह रहे रितेश, मैक्सिमम तो एम्पलीट्यूड होगा, तो बाकी जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो वो जो मीन लाइन है उससे डिस्टेंस ले लेंगे, नहीं हाँ मतलब यहां से लेके, यहां से लेके ये सारे डिस्टेंसेस लोगे, ये जीरो से लेके ये सारे डिस्टेंसेस लोगे। मान लो आपसे इस पॉइंट पे पूछा है तो आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, बाकी ऐसे नहीं निकालते, निकालते पर इसी से हैं, आपको ठीक है टाइम गिवन रहता है कितने टाइम पे निकालना है, तो वो टाइम की वैल्यू रखोगे। तो अभी जैसे अपन साइन की वैल्यू डील कर रहे हैं 45-90 में, वहां पे साइन की वैल्यू डील होगी 63 डिग्री, 23 डिग्री, वो जो अपन से निकालते नहीं आती है, ध्यान है। दीपेश, हाँ भैया, वो मैंने कहा ना कि जैसे साइन की वैल्यूज अपन की साइन 23, एक साइड में इक्वेशन मिलेगा, अगर यहां पे कहीं आप बीच का क्या निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों निकाल सकते हो। ग्राफिकली जैसे तुम कह रहे हो कि ये डिस्टेंस ले लो, बट ये कभी नहीं आता। मैथमेटिकली साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा तो रखोगे 2π/T और आपको स्मॉल टी की वैल्यू गिवन रहेगी कैपिटल टी के फॉर्म, कैंसल करके साइन की कुछ वैल्यू बनेगी, लाइक साइन 23 डिग्री, साइन 25 डिग्री, तो वही छोड़ देना, निकाल सकते हो साइन 25, वैसे निकलेगा बीच वाला डिस्प्लेसमेंट, बाकी अपन नॉर्मल केसेस लेके चलते हैं बस। हाँ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। मैं फिर से क्वेश्चन, आई एम जस्ट रिपीटिंग, इन द केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगल, उसके बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाला, ओके। एनीवन एल्स, जेड, क्या है डिस्प्लेसमेंट भैया, वही करेंगे क्या इसमें, आर ओमेगा, नहीं अरे आर थीटा, अरे मैं क्या, आर ओमेगा, आर थीटा, सॉरी, वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल, नहीं नहीं नहीं, एनीवे आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, आई टोल्ड यू, आई रिमेंबर, मैंने आपको बताया था उस दिन कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट बहुत ही, लिखवाया नहीं बताया पेज पहले पल कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट बहुत जनरल क्वांटिटी है, वेवलेंथ लीनियर, ओके। आपको ध्यान है मैंने बोला था
कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी जो टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पे चेंज हो रही है मेन पोजीशंस, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. एनी फिजिकल क्वांटिटी विच आर गेटिंग चेंज फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो यहां ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट. इट्स नॉट ओनली द लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो आप डिस्कस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग, समझना स्प्रिंग, ये देखो देयर आर डिफरेंट केसेस. नाउ सी, अगर स्प्रिंग है, आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, ये इसकी मेन पोजीशन, यू कैन से दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. सो डेविएशन फ्रॉम द मेन पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट. तो इस केस में आपका कहना सही है कि जो भैया ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर पोजीशन करेगी वो आपका डिस्प्लेसमेंट है. चलो ये रहा पेंडुलम, ये पेंडुलम यहां गया, फिर ये पेंडुलम यहां आया, राइट? नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? पेंडुलम के केस में डिस्प्लेसमेंट लोगे एंगल को. पेंडुलम के केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर. आप यहां कहीं से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते कि कितना मीन पोजीशन से ऊपर गया. नहीं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करोगे? यहां से मीन पोजीशन से आपका एंगल चेंज हो रहा है बेटा. स्प्रिंग के केस में मीन पोजीशन से आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, पेंडुलम के केस में क्या डिस्प्लेस हो रहा है? एंगल. आप किससे चेंज बताओगे? इस एंगल से, कि मेन पोजीशन से ये 30 डिग्री ऐसा गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 30. वापस आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0. फिर गया 30 इस साइड, फिर वापस आ गया, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना निकाला आपने? 30 डिग्री. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 30. एक्सट्रीम पोजिशन कितना गया ये? 30. तो यहां पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ? एंगल. साउंड के बारे में पढ़ा है क्लास 9th में, वो जब प्रोपोगेट होती है उस केस में जब वाइब्रेशन होता है तो वहां पे चेंज होता है प्रेशर. तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्रेशर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन वो नहीं है जो रेडियस से कितना आगे कितना पीछे गया. यहां पे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इट कुड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट कुड बी प्रेशर, इट कुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट बहुत जनरल टर्म है. गॉट इट? देखिए, हाँ क्या हाइट डिस्टेंस? ओके फाइन. चेंज तो फिर बहुत सी चीजें हो रही है, टाइम भी हो रहा है. बट यहां पे मैं वही कह रहा हूं कि आप अगर ऐसे पेंडुलम के केस में डील करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट है एंगल. आप इसको इस फॉर्म में बना लोगे वेव के फॉर्म में तो फिर यहां पे आप इसी में डील करोगे ए और वाई में, समझ रहे हो? ये आपका ए और वाई में ही डील होगा. बट समझाने का तरीका है कि आपका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या. तो हर केस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको बताया कि पेंडुलम के केस में थीटा है कि आप कहीं इस हाइट को ना ले लो, बिकॉज ग्राउंड से पेंडुलम कितना ऊपर गया? एच. यू कैन टेक दिस ऑल्सो, दिस एच इज चेंजिंग. यहां पे पहुंच के मैक्सिमम, यहां पे पहुंच के जीरो, राइट? यू कैन टेक एच ऑल्सो, बट मैंने क्या 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 लेना है? थीटा, बिकॉज दीज आर फिक्स. इन दैट केस आर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. आप इसी से मेजर करते हो. लिखिए, कहां तो लिखा था यार अपन ने? हा
हार्मोनिक ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखी थी ना, ओके okay. और उसके बाद लिखा था एंड हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ A harmonic oscillation of constant amplitude and of single frequency is called simple harmonic motion. Okay. उसी में लिखिए आगे mathematically same paragraph. हाँ, same paragraph में नहीं, paragraph change करके उसी heading के अंदर harmonic oscillation की heading के अंदर para change करके लिखो mathematically. मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. अच्छा हाथ नहीं चल रहे. मैथमेटिकली हो रहा है भैया सिंपल. तो लिखना नहीं है तो मैं पढ़ा पढ़ा देता हूं, कोई इश्यू नहीं है, बट बहुत सारा लिखने को हो जाएगा फिर कल. हाँ लिख लो SHM लिख लो. मैथमेटिकली SHM can be expressed as mathematically SHM can be Ankit Patel ka hai expressed as Niharika Mishra present. Okay. Can be expressed as y is equals to a sin omega t. लिख लिया y is equals to a sin omega t. उसके just नीचे अरे बनाता हूं ये बनाओ. ये नीचे वाला, ऊपर वाला कुछ है ही नहीं. हाँ बेटा पूछो 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 बस. ये 3T/4 कैसे आया था, मतलब वो नेगेटिव में आ रहा हमने निकाला. 3T/4 का हाँ तो नेगेटिव में आएगा ना, माइनस है. ये देखो माइनस है. टाइम तो मतलब एक्स एक्सिस पे ही चल रहा है ना टाइम. हाँ सो एक्स एक्सिस पे ऊपर नीचे दोनों चल रहा है. टाइम आपका पॉजिटिव है, आपका नेगेटिव क्या आया, एक्सेलरेशन आया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आया. डिस्प्लेसमेंट ऊपर और नीचे दोनों जगह वाई एक्सिस पर वेरी कर रहा है, यहां भी जा रहा है नीचे भी जा रहा. माइनस ही आया ना तुम्हारा 3T/4 पे. टाइम आया, टाइम माइनस 3T/4 आ रहा. नहीं माइनस 3T/4. अरे एक मिनट एक मिनट, टी बाय टू और टी के बीच में लाई करता है 3T/4. टी बाय टू और टी के बीच में कौन सी क्वांटिटी लाई करती है 3T/4? नहीं करती. हाँ भैया करती. बस तो वही टी हिसाब से लिख दिया हमने. ये मान लो आपका कितना सेकंड है टी बाय टू, मान लो टी की वैल्यू है 10, कितनी मान लो 10, नहीं 10 में तो दिक्कत हो जाएगी. 8 8 3 का 24 4 ओके 8 मान लो 8 सेकंड. ठीक तो टी की वैल्यू अगर 8 सेकंड है तो टी बाय टू कितना हो जाएगा 4 सेकंड.
और टी कितना है? एक सेकेंड। तो ये सिक्स सेकेंड आना चाहिए, तो थ्री इंटू एट बाय फोर कितना है? एट सिक्स सेकेंड। तो थ्री टी बाय फोर लाए करता है टी बाय टू और टी के बीच में, तो मैंने उसको लिख दिया थ्री टी बाय फोर बीच का टाइम। ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, ठीक है बस। और फिर जब थ्री टी बाय फोर को आप रखोगे स्मॉल टी की जगह, रख के बता दूं क्या, तो फिर टी से टी कैंसिल हो जाएगा और साइन के अंदर कोई ऐसी वैल्यू बन जाएगी जिसका नंबर आता माइनस वन। करके देख लो यार लोग, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन टू पाई बाय टी और स्मॉल टी की वैल्यू है थ्री टी बाय फोर, टी से टी कैंसल, टू से टू कितना बचा थ्री पाई बाय टू माइनस वन, थ्री पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो साइन साइन थ्री पाई बाय टू कितना हो जाएगा माइनस वन, और ए ऑलरेडी है तो बाय आ जाएगा माइनस ए, तो देखो माइनस ए है ना थ्री टी बाय फोर, बना लिया। ये कॉस का भी बना लो, यहां पे लिख लो y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ये ना इसके कहीं आपको नोट्स मिलेगी नहीं, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर डेवलपिंग द जनरल कॉन्सेप्ट्स। आप अपनी एनसीईआरटी में भी देखोगे ना तो इन सब के नोट्स नहीं है, वहां पे सीधा शुरू करेगा एसएचएम से और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से उसको रिलेट कर देगा। बट ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे वेव्स में भी ये बहुत काम में आने वाला है, दैट्स व्हाई कर लो अच्छे से। और जो क्लास नहीं कर रहे होंगे मैं वेव्स में बिल्कुल नहीं बताऊंगा फिर से ये टी बाय टू और थ्री टी बाय फोर कैसे डिवाइड किया। एक्सट्रीम से शुरू हुआ है तो एक्सट्रीम पे खत्म होगा तभी क्या कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। मान लो यहां से शुरू हुआ पूरा आया फिर पूरा जाके बन गया, तो एक्सट्रीम से शुरू तो एक्सट्रीम पे खत्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा टी, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा टी बाय टू, ये तो टी इज इक्वल्स टू जीरो है, गुड बन गया बना लो। दिस इज द टाइम पीरियड यू कैन से, हाँ यहां भैया ए कहां पे होगा, क्या कहां पे होगा बेटा, ए कहां पे होगा, ए तो यही, ए तो सेम है, ए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऐसे आपको ग्राफ मिले उसमें ए क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाली लाइन दिस इज ए, दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज ए, ये वैल्यू है ये वाली वाई एक्सिस, दिस इज ए, ठीक है। चल देखो वेयर इसके नीचे ऐसे वेयर y इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू और क्या है ओमेगा इज इक्वल्स टू और कैपिटल T इज इक्वल्स टू, देखा ये y इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी displacement of a body from a mean position from a
पोजिशन एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, स्मॉल टी, एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी, ए इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बता रहे, बता रहे। और देखो तो देखो तुम तो फिर भी ठीक है, ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखना ओमेगा इज इक्वल्स टू टू पाई न्यू इज इक्वल्स टू टू पाई बाय टी। ये क्वेश्चन रख लीजिए, पूरी वेव में काम आएगा। है यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का काम करती है, वही है यहां पे, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। आप कहीं की फिजिक्स पढ़ लो, आपको कहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं करेगी। मैंने क्या बोली डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पाई बाय द फ्रीक्वेंसी, बोली थी, ध्यान नहीं दिया तुमने। देखो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन, इसमें लिखना है ओमेगा में, नहीं नहीं कैपिटल टी में, ए नहीं टाइम पीरियड, सॉरी कैपिटल टी टाइम, अच्छा पूछ लिया उसने, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ, हाँ टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन। वो क्या हुआ कि बुक में म्यू कॉमा टी लिखा हो तो वो पहले फ्रीक्वेंसी और फिर टाइम पीरियड, इसीलिए नहीं रहने दो, फ्रीक्वेंसी काट के टाइम पीरियड लिख दो, हमें डील टाइम पीरियड में करना है। हो गया, हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नंबर वन, नंबर वन टाइम पीरियड, ये क्यों नहीं लिखवा रहा हूं मैं, वो उसमें हेडिंग डली हुई है सिलेबस में आपके, टाइम पीरियड, इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर द पीरियोडिक मोशन, आफ्टर द पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ, आफ्टर द पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ। बहुत जगह देख चुके हो कैपिटल टी क्या है, सो नॉट टू डिस्कस एनी मोर। फ्रीक्वेंसी नंबर टू, इट इज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस, नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी, एग्जीक्यूटेड बाय द बॉडी पर सेकेंड, पर सेकेंड। हाँ डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट में लिखो, इट इज अ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पीरियोडिक मोशन, इन अ पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल ब्रैकेट में, नहीं नहीं ब्रैकेट में अच्छे से लिख लो। एग्जाम्पल नंबर वन, इन अ लोडेड स्प्रिंग, इन अ लोडेड स्प्रिंग द डिस्प्लेसमेंट is the deviation of the body from its mean position, deviation of a body from its mean position. Number two, in a simple pendulum, in a simple pendulum, comma, the displacement is its angular deviation, is its angular deviation from the vertical, from the vertical during oscillations, from the vertical during oscillations. Number three, during propagation of sound waves, during propagation of sound waves, comma, the displacement is local change in pressure, the displacement is local change in pressure WRT time, with respect to time. डिस्प्लेसमेंट इज की बात क्या था, किसकी बात? डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट इज द लोकल चेंज इन प्रेशर, लोकल चेंज इन प्रेशर WRT टाइम। Again, a very important concept of this chapter, phase and phase difference. ये word पहले सुना है phase difference? नहीं, नहीं? Phase सुना है? Okay. What is a phase? सुना है? चलो कोई ओके, यहां पे SHM में फेज पता क्या है? फेज वो क्वांटिटी है जो किसी भी पार्टिकल का मोशन और डायरेक्शन बताती है। फेज क्या है यहां पे?
जो पार्टिकल का मोशन और डायरेक्शन आपको बताए. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस मान लो मैंने लिख दिया फाइव जीरो. सपोज वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज फाइव जीरो. नाउ यू आर वेल नोन बाय दिस इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन बहुत अच्छे से पता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. नाउ फाइन, मैंने ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो लिख दिया सपोज कुछ. नाउ दिस रिप्रेजेंट्स फेस. इस इक्वेशन में जो साइन का या फिर मान लो जो कॉस का आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, फेस. ठीक है, फेस. तो अगर फिजिकली समझना हो, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो फेस वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसके डायरेक्शन को कंप्लीटली क्या करे, डिफाइन करे. क्या करे, डिफाइन. पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है. यहां पर आपको ये वेरिएबल दिख रहा है टाइम. ये टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वाई चेंज होगा. तो यहां पर पार्टिकल के मोशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, टाइम. बट नॉट ओनली टाइम, यहां पर एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है. सो वी कैन ऑल टूगेदर दिस कॉल्ड दिस फेस. तो साइन और कॉस का आर्गुमेंट क्या है, फेज है. एंड व्हाट इज अ फेज, विच कंप्लीटली डिफाइंस द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल डूइंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन. कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसके मोशन को और डायरेक्शन को कंप्लीटली डिफाइन कौन करेगा, फेज. फेज डिफाइन करे. तो मैथमेटिकली व्हाट इज फेज, इट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस. साइन और कॉस का जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, फेस. यहां पर मैंने फाइव जीरो लिखा है, ये फाइव जीरो कहलाता है इनिशियल फेज. क्या कहलाता है फाइव जीरो, इनिशियल फेज. देखो ना, वेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टाइम टी जीरो है तो ये क्वांटिटी तो गई, क्या बचा, फाइव जीरो. इनिशियल फेज क्या होता है, जो मीन पोजीशन पे पार्टिकल का डायरेक्शन है या मोशन है, मीन पोजीशन पे. क्योंकि मीन पोजीशन पे ही तो आपका टाइम क्या होता है, जीरो. तो व्हाट इज इनिशियल फेज, व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो. मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल का फेज है वो क्या है, इनिशियल फेज. और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पार्टिकल का मोशन या डायरेक्शन पता करना है तो वो कौन देगा, फेज देगा. फेज देगा, राइट. और फेज का जो यूज है वो फेज में ना होके फेज डिफरेंस में. कहां पे, फेज डिफरेंस. नाउ सपोज दिस इज अ वन पार्टिकल डूइंग एसएचएम एंड दिस इज अ अनदर पार्टिकल डूइंग एसएचएम. दोनों के दोनों पार्टिकल में क्या चेंज है. सपोज अगर मैं लिखूं एक पार्टिकल का इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो दूसरे वाले का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है y डैश, सो व्हाट आई विल राइट, ए डैश साइन ओमेगा टी. ओके, वहां पे सिर्फ बदला क्या है, एम्पलीट्यूड. दोनों पार्टिकल की जो हार्मोनिसिटी है वो सेम है. हार्मोनिसिटी का मतलब है दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से हार्मोनिक है. एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अगर दोनों का फेज देखोगे तो वो सेम है, मतलब दोनों का डायरेक्शन और मोशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, सेम. फेज सेम है, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा इस केस में, जीरो. कोई फेज डिफरेंस है क्या, नहीं है. फेज डिफरेंस नहीं. देखो अगर मैं इसी पार्टिकल को, सपोज मेरे पास दो पार्टिकल है, एक मान लो दो बॉब है, क्या है, दो बॉब पेंडुलम से लटके हुए, एक को एक एक्सट्रीम पोजीशन से चालू करता हूं दूसरे को दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा,
हाफ वाइब्रेशन का या 180 डिग्री का। देखो सपोज वन पार्टिकल इज डूइंग द एसएचएम लाइक दिस, अनदर पार्टिकल इज डूइंग द एसएचएम लाइक दिस, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 180 डिग्री का, पाई का। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि पार्टिकल ए को आप लिखोगे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और पार्टिकल बी को लिखोगे वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। कहने वाली बात यह है कि पार्टिकल ए पार्टिकल बी से कितना आगे है, पाई फेज। 180 डिग्री कितना है आगे फॉरवर्ड, और पार्टिकल डी उसके पीछे। तो आई यू कैन राइट ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, किसको ए को, और दूसरे को ए साइन ओमेगा टी। या फिर आपको इसको ए साइन ओमेगा टी लिखना है तो इसको लिख दोगे माइनस पाई, माइनस करोगे कितने का फेज डिफरेंस आएगा पाई, 180 डिग्री का। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हाफ वाइब्रेशन कैसा है पीछे, तो दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है 180, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, राइट। तो ये जो फेज है ना, इसको दो चीजों में मोस्ट ऑफ द टाइम अपन एंगल में ही निकालते हैं, किसमें निकालते हैं एंगल। दोनों अगर सेम टाइम पे सेम हार्मोनिसिटी से कर रहे थे तो एंगल जीरो, कोई डिफरेंस नहीं था दोनों के फेज में, तो फेज डिफरेंस कितना हो रहा था जीरो। यहां पे एक एंड से एक पार्टिकल दूसरे एंड से दूसरा पार्टिकल, दोनों के बीच में हाफ वाइब्रेशन का डिफरेंस, या फिर कह लो कितने फेज का 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, राइट। एक और केस है, मान लो आपका एक बॉब यही है और दूसरा बॉब एक मीन या एक्सट्रीम पोजिशन, राइट। ये जो बॉब है ये है बी, ये है ए, ए मूव करेगा राइट की तरफ और बी मूव करेगा लेफ्ट की तरफ, दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है 1/4 वाइब्रेशन का, या फिर कह लोगे पाई बाय टू, कितने का फेज डिफरेंस है पाई बाय टू, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों के बीच में 1/4 वाइब्रेशन का डिफरेंस है, तो कितने का फेज डिफरेंस है पाई बाय टू। तो ये जो फेज का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से अगर आपको समझ में यही है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है तो अभी अपन जो अगला टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कहेंगे रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे तो आपका ये जो एसएचएम हो रहा है ना, इसको अपन सर्कल से डिनोट करेंगे, किससे, सर्कल से। तो उसमें ये जो क्वांटिटी है फेज, फेज डिफरेंस, ये सब क्या होती है वहां पर अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल के लिए अगर सिर्फ डेफिनेशन देखी जाए तो व्हाट इज फेज, फेज रिप्रेजेंट, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल। और फेज डिफरेंस क्या है, दो पार्टिकल के बीच में कितनी हार्मोनिसिटी का डिफरेंस है वो क्या होता है फेज डिफरेंस। दोनों पार्टिकल अगर एक दूसरे के हार्मोनिक है, जैसे जैसे पहला चल रहा था वैसे वैसे दूसरा, तो फेज डिफरेंस क्या है जीरो। दोनों के बीच में हाफ वाइब्रेशन का डिफरेंस है दूसरा दूसरी, कितना फेज डिफरेंस 180। एक मीन पोजीशन पे है एक एक्सट्रीम पे, कितना फेज डिफरेंस 90। इससे ज्यादा फेज डिफरेंस तुम्हें पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे 12 तक की नहीं मिले, यू विल ओनली गेट द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू, पाई टू पाई, ठीक है। तो अब 2π का फेज डिफरेंस मैं आपको पेंडुलम में तो नहीं बता सकता, बट वी विल ऑल्सो डील विद इट इन क्लास 12 जब अपन एसी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करेंगे, यहां पे नहीं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फेज एंड फेज डिफरेंस। पूछो नहीं बेटा, वो उन्होंने ना टाइम रेंज को एंगल से
रिलेट किया है कि आपको इतनी टाइम रेंज पे इतना एंगल का फेस बनाना है, इतनी टाइम, मतलब मैं वही कह रहा हूं, इसका अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकता कि यहां और यहां के बीच में 180 डिग्री कैसे आ रहा है, बट दे कंसीडर इट कि अगर हाफ वाइब्रेशन डिफरेंस है तो फेस कितने का होगा, 180 का, राइट। और अगर मान लो 1/4 वाइब्रेशन है तो कितने का होगा, 90 डिग्री। आई कैन नॉट शो यू प्रैक्टिकली कि कैसे होता है, बट या दे फाउंड समथिंग और दे डिसाइडेड समथिंग कि जब दोनों पार्टिकल्स के बीच में हाफ वाइब्रेशन हो तो फेस कितना होता है। हाँ, आई विल शो यू व्हेन आई विल डिस्कस द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा 180। जस्ट वेट, वी विल डिस्कस कि हाउ दिस इज 180, ठीक है, जस्ट डोंट वरी। इसका प्रोजेक्शन जब अपन सर्किल के डायमीटर पे देखेंगे ना, वह आपको समझ में आ जाए। लिखिए, फेस, फेस ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, हाँ हेडिंग डालो फेस, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, फेस ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली एक्सप्रेसेस द, विच कंप्लीटली एक्सप्रेसेस द, एक्सप्रेस करते ना, एक्सप्रेसेस द पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डब्ल्यू आर टी टाइम, एट एनी इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो जैसे कि ओमेगा टी का जो ओमेगा या टी है, ये आपकी पोजीशन बताता है ना पार्टिकल की, कि कहां है। इससे आप बता सकते हो कि इस ग्राफ में पार्टिकल यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, या यहां है, सेम विद द ओमेगा, राइट। सो द पोजिशन एंड डायरेक्शन कौन बताता है, फेस। देखो इसके आगे पैरा चेंज करके, इट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन, इट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, देखो कॉपी नहीं लाई तुम, हाथ दुख रहा, ओके चल। साइन एंड कोसाइन फंक्शन, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन इन्वॉल्व टू रिप्रेजेंट द, इन्वॉल्व टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द, मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल। लाइन चेंज, पैरा चेंज, देखो सुन तो, लिख बस दो लाइन, इफ द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी, एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव जीरो, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टू पाई बाई t इंटू टी प्लस
50 ये 50 इनटू में नहीं प्लस में बेटे प्लस मेबी ये 5 के साथ में जो जीरो है वो हाँ अरे डिनोशन है बेटा 50 5 0 5 0 5 0 5 0 Where 2 pi by t into t plus phi naught is called phase. It's called phase. It's called phase of oscillation. Phase of oscillation. At time t, small t, full stop, it is denoted by phi. किससे denote करते हैं इसको? Phi. It is denoted by phi. लिखो लिख रहा है उसके बाद. Line change करो. शॉर्ट में डालो ब्लैक पेन से इनिशियल फेज चलो कर लिखवा दो